ये वेन है जी, अंदर ब्लड वगैरह भी है, जो चोटें लगी है ना ये शीशे तोड़ के उनको निकाला गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भी अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी सम्मान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। इसी नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुंच जाए। तो माशाल्लाह सुबह का टाइम है और नाश्ते की तैयारी है, अंदर नाश्ता बन रहा है, अंदर चलते हैं और नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर देखेंगे रोज़मर्रा के जो काम है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो के साथ रहना है, जाना बिल्कुल नहीं है, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। और इधर ये बच्चे आ रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। दादी जैनब, दादी जैनब हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि मेरी जो दादी जान थी ना वो उनका नाम था जैनब, तो मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं इसीलिए जो है ना इसको दादी जैनब कहता हूँ क्योंकि मेरी दादी अम्मी का नाम जैनब था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कितना महीना पे तेरा की हाल है मोहम्मद, सलाम कर। हाँ ये देखें जी, वर्दी भी पहन ली है, बूट सूट भी पहन लिया है, स्कूल जाने की मेरे ख्याल में तैयारियां हो रही हैं सबकी। अब चलते हैं जी अंदर और देखते हैं कि क्या हो रहा है, नाश्ता बन रहा है या नहीं बन रहा। चूल्हा तो जल रहा है, धुआं उठ रहा है, ये आप देख सकते हैं। अंदर चल के देखते हैं जी। हबीबुल्ला सुबह सुबह के टाइम चूल्हे की सफाई कर रहा था, उसकी राख वगैरह निकाल के बहर फेंकी और उसके बाद जो है ना फिर वो मेरे ख्याल में आग जलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, जहाँ भी रहे खुश रहे बाद रहे, हमें दो में याद रखें, मुस्कराते हैं फूलों के। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कॉमेंट। तो सुबह सुबह का टाइम है, तैयारी है नाश्ते की। कल जो है ना मैंने लकड़ी अंदर नहीं रखी थी तो अभी जो है ना लेने के लिए आ रही थी, तो आपसे आप जो है आ गए। अच्छा। लस्सी भी अभी हमारी बन रही है, अभी नहीं बनी। नहीं बनी, पता नहीं क्यों लस्सी कभी कभी जो है ना देर लगा देती है। मैंने सलाम किया, इन्होंने मेरी सलाम का जवाब नहीं दिया, खुद सलाम की। मैंने आपको सलाम किया, आपने मेरी सलाम का जवाब नहीं दिया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हां पहले जवाब देती फिर सलाम करती। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने भी कहा अस्सलाम वालेकुम। हैं बस वो ना मैंने सोचा चले बहन भाई को सलाम भी कर दूं और आपसे भी सलाम कर दूं। मुझसे कहा कि आपने सलाम तो मैंने की, आपने जवाब भी नहीं दिया है ना बहन भाइयों। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, इसने मेरी सलाम का जवाब नहीं दिया, ये खुद इसने फिर सलाम शुरू कर दिया। मैंने भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हक बनता था आप मेरी सलाम का पहले जवाब देते फिर आप सलाम करते। हैं मोहम्मद ने तैयारी भी कर ली। हाँ जी, आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, अपनी में लगी हुई है। मैंने कहा हमने नहीं दिया, मैंने सलाम भी किया, आपने सुना नहीं। वो क्यों नहीं दिया मेरी सलाम का जवाब? दिमाग में नहीं आया था। दिमाग कहाँ पे था? इधर लकड़ियाँ लेने के लिए आया था। मैंने तो सलाम किया आपको, आपने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने बस सलाम कर दिया। चलो यार आपकी मर्जी, क्या कह सकते हैं आपको। अच्छा मुझे कपड़े देती हो? मेरा इरादा है नहाने का। कौन से कपड़े? आज जुम्मा है ना, तो हमारे तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक दिन है जुम्मे का। और मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को जुम्मतुल मुबारक मुबारक हो। तो सब बहन भाइयों ने दुआ भी जरूर करनी है
इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और आपने भी करनी है। तो आपने कौन से कपड़े पहने? जो भी दे दो, ये कोई लाजमी तो नहीं है। मैं तो वही नीले कलर ले चाहती हूं, समझ तो हुए तो मैं वही दे दे। अच्छा तो मुंह दे मां जा रोटी सट के ना बाल तैयार कर दे मैं हाँ ना शेर से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली थी सुबह के टाइम, और फिर जो है ना हमें टाइम नहीं मिलेगा, हमने फिर कहीं पे जाना भी है। ये देखें जी थोबी चढ़ चुकी है और हबीबुल अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है। आमीन सुनना आमीन। हबीबुल सुबह जल्दी उठता है और मेहनत करता है बेचारा। इधर आई हुई है बतको तो ये खाली फीडर पीनी बदिरानी है हैं लस्सी वाला थी लस्सी दा जी हां या के खाला लस्सी बड़ी है मैं कहना सारी कहानी बड़ी लस्सी बन गई अब जी अब जी में भी है मठे क्यों लेखी ने लग सुकून नहीं है फिर इकट्ठा करो मक्खन ठीक है बन गई है बन गई है हबीबुल्ला की रोटी पे मक्खन लगाया जा रहा है। हबीबुल्ला खाता है आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी खा लेगा फिर। तू अपने और लस्सी पा गया ना बेब? मक्खन इकट्ठा हो गया, किसी तरह काफी टाइम लिया इसने। अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता हमने कर लिया, मैंने नहा के कपड़े भी चेंज कर लिए और गंदम जो है ना देखने लगे हैं। एक बेचारा गरीब बंदा है, उसकी जो है ना गंदम खत्म हो गई, आटा नहीं था, तो रात आए हमारे पास कि हमें जो है ना गंदम दे। पहले भी हमने तीन घरों को दी है, अल्लाह खैर करे, बस हमारे भी आप ऐसे समझे नज़दीक है, बस थोड़े बहुत बची हुई है गंदम। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टोटल मजदूर तबका है, पसमानदा इलाका है, तो हर बंदा बेचारा आटा लेता है 2 किलो 5 किलो 10 किलो, तो जो भी आते हैं फिर किसी को जो है ना खाली हाथ वापस भेजना अच्छा नहीं लगता, तो उनको जो है ना निकालते हैं उनके लिए, फिर जो है ना उनको देंगे। चले उनके कुछ दिन निकल जाएंगे, 10-15-20 दिन। पता नहीं कितना है, कोई पता क्या नहीं। अच्छा गंदम फिर आप निकाल लो, मैं इंजेक्शन लगा के आता हूँ। फिर हमने शहर जाना है, तख्तियाँ उठानी है, वो वाटर पंप जो लगाए थे ना उनकी तख्तियाँ बनी हुई है, वो मैंने उठानी है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आप निकाल लो फिर। हाँ एक गट्टू एक मन जितना आप निकाल लो जी। तो मैं वापस आ गया हूँ इंजेक्शन लगा के, और यहाँ पे गंदम जो है ना निकाल ली है, ये देखें जी एक गट्टू जिसको देना था, क्योंकि इस वक्त जो है ना हर बंदा बेचारा परेशान है। जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं ना, बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। आमीन आमीन। बहुत ही ज्यादा हालात खराब है। गाने निकाल के उसके चाय ले दे भी दिए, उसके चाय भी देते हैं। चलो चाय भी देते हैं। चलो इन्हें ड्रामे चो काट कर उन्होंने चार इतने सारे उन चौका बेचा पे भी है। कोई पता कहनी लो ढक बड़ा सारे को खुलदा कहना है। अंदाजा हो मैं कुछ गुजारा थी वैसे। हां अंदाजा इंशाल्लाह थी वैसे के गुजारा। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह गंदम ले ली थी, इस साल देखते हैं, क्योंकि हमारी अपनी गंदम तो नहीं होती, लेनी पड़ती है, और रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, गरीब बंदा बेचारा नहीं ले सकता, बहुत परेशान है हर बंदा। आपने परेशान ही होना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला को सबब बना दे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात वो देने वाली है, जो नसीब में लिखा है वो मौत से पहले पहले हमें मिलकर ही रहना है। नसीब और मौत ये तो मिलना है इंसान को। चलो जी अब हम कहीं पे जा रहे हैं, ये तख्तियां भी लगानी है, तख्तियां उठानी भी है, सारा काम और एक वो जो मजदूर बच्ची है डिसेबल वो वरीशा, उनको हमें खर्चा भी देना है जो महाना उनका आता है। ठीक है जी ठीक है अम्मी जान, दुआ करें। हाँ फिर मिलते हैं। चाबी भी लिख लिए, जल्दी कर। अच्छा जी तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा हमने अदा कर लिया, हम जहाँ गए थे वापस आए, आपकी भाभी को घर पे छोड़ा, फिर हम गए जुम्मा नमाज अदा करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा नमाज अदा करके अभी घर पहुँचे हैं, और इधर जी कपड़े धोए जा रहे हैं,
ये देखें जी, जी। थकी खड़े जी, थकी डाढ़ी मसाला खैर करे आखरी चक्कर पिया ओ सटा करे जड़ा। अच्छा बस ये धुई जे सर इंशाल्लाह जल्दी चले। अब तो धूप जबरदस्त निकली हुई है। हाँ हम जहाँ गए थे ना वो वीडियो हमारे ओल्ड चैनल पे, हम कहाँ कहाँ पे गए थे वहाँ पे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं अल्ताफ फैमिली व्लॉग्स पे। हाँ जी। तो कपड़े जो है ना वो यार मेरा वो कोट भी धो लें। हाँ वो जब से पहना है मैंने वो धोया तो नहीं है, वो बड़े वाला कोट वो धो के फिर रख दो, फिर तो सर्दियों में वो काम आएगा। अभी तो सर्दियाँ गई हैं। धुलाई करके ना उसे रख देंगे, जब सर्दी आएगी फिर पहनना। हाँ जी, अभी तो धूप निकली हुई है बहुत ज्यादा, आज काफी गर्मी महसूस हो रही है। ये वेस्टकोट मैंने पहनी हुई है ना तो ये भी दिल कर रहा है कि उतार दो, क्योंकि ये सूट जो पहना हुआ है ना आपने ये गर्म है। हाँ ये भी मोटा है। हाँ। और ये भी गर्मी लग रही है यार, इससे गर्मी दे रही है वेस्टकोट। हाँ क्योंकि दिन को आप सूरज बहुत ज्यादा जो है ना तपश वाला महसूस होता है, सुबह सुबह सर्दी महसूस होती है और रात को भी सर्दी महसूस होती है, लेकिन दिन को गर्मी महसूस होती है। दादी जैना भी आई हुई है, दुपट्टा इसने नहीं पहना हुआ, भाग गई है फिर अंदर। वो ना अभी नहाया है दादी जैना ने। अच्छा तो इसी वजह से अभी ना दुपट्टा नहीं पहना। चले अच्छा मुझे थोड़ा काम है, वो वाटर पंप उठाने उसका पता करता हूँ मैं। वाटर पंप दो जो आए है ना वो सलमा सिसर की तरफ से, उनके नाम भी हैं, वो तख्तियाँ उनको बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला। नाजिम अली है मेरे ख्याल में, भाई नाजिम अली और सिसर नाजिया, उनकी तरफ से दो वाटर पंप आए थे, वो अभी उठाने हैं। वो अभी जुम्मे के टाइम मेरे ख्याल में वो बंद कर देते हैं, जुम्मे के बाद फिर वो शाप को खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो मैं वैसे फ़ोन कर लेता हूँ उनसे, पूछ लेता हूँ उसके बाद जो है हाँ, ताकि हम थुड्डा ना खा के वापस आ जाए। इधर अम्मी जान नमाज अदा कर रही है क्योंकि जुम्मा है आज। की में हाल है डारी जनाब, सलाम दुआ तक नहीं की थी आज, सलाम कर दे की भी गाल भूल में दिया साको। जड़ी अम्मा जी मुल्तान वाली नहीं वो तो कुछ सलाम करने पिए। हाँ काफी सारे आंटीज अंकल आपको सलाम दे रहे थे। वालेकुम सलाम। तेरे दांत कोड़न तो दांत लुके नहीं है, सोने सोने तेरे दांत दन। और वैसे सर का कमेंट आया हुआ था ना कि छोटी सी बच्ची आप इसको दादी क्यों बोलते हैं, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि मेरी दादी जो थी ना उनका नाम जैनब था, तो मैं दादी को देखता हूँ इसमें, इस गंदी दादी नजर आती है आपको इसमें। हाँ जी, तो दादी भी याद रहती है हर वक्त, जब दादी जैनब को इसको देखता हूँ तो मुझे अपनी दादी अम्मा याद आ जाती है, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी मुझसे बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है मैं फिर रब्ता करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। जी ओके, मैं ना ये छोटे कपड़े इधर डालती हूँ दीवार पे, ये जो दीवार डाल दें। बुतवारी की मैं तबीयत ठीक है, अल्लाह ताला सियत कामल अता फरमावे, अल्लाह ताला ठीक रखे हमेशा। गुड़िया तू क्या खांदी वदी है, तू फूकड़ी खांदी वदी है, क्या करंदी वदी फूकेंदी वदी। हाँ आज जुम्मा है ना तो इसलिए सब बच्चे बच्चियां नहा के कपड़े चेंज करके फ्रेश हुई खड़ी हैं। हाँ दुपट्टे भी पहन लो सर के ऊपर, मेरा दुपट्टा धुला हुआ है, सिन्ना है। अच्छा गीला है सिन्ना है, दुपट्टा पहनती है गीला है सिन्ना है, गीला है सिन्ना का नहीं है, सिन्ना भी है गीला भी है। अच्छा चलो ठीक है, समझ लग गई है उसे, तो क्या आगे को समझ नहीं लग गई। हाँ ये बड़ी चलाक है दादी जना, मैं को अगर मैं लेकिन पूछे आता मैं शायद के लगे गाल कर मैं गिरने वाला था। ये अड़ गई, क्या कह रही थी, चाचू की शूज भी उतर गई थी। हाँ इसके ऊपर ना बैठो, ये प्लास्टिक वाला पाइप है ये टूट जाएगा। मैं के मेरे दादी जनाब मैं क्या जवाब न दे सकता। अच्छा तो क्या मैं क्या आखा, वैसे वैसे सोचा अभी केड़ी शे की में क्या सोच सोच वाला पता केड़ा जवाब देना। अच्छा तो पता कहने सिन्ने गिले दा। हाँ अच्छा कहने का बड़ी चला के तू। जुराबे जी इधर डाल दिए दीवार के ऊपर,
और कपड़े इस तार के ऊपर। अभी तो आधे कपड़े हैं। डॉरी जैन आपको क्या थिया खड़े हैं? अभी और धोने जी। चले आप कपड़े धोए फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। इसे क्या हो गया? चेतत नहीं रहा खड़ा। किसकी याद आई है जनाब? जनाब डॉरी जनाब, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, हंस रही है, मजाक कर रही थी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। जी तो वाटर पंप हमने उठा लिए हैं, शॉप जो है ना बंद होने वाली थी, बस हम पहुंच गए, वाटर पंप उठा लिया, अब जा रहे हैं जी वापस घर की तरफ। हम आ चुके हैं जी हनीफ भाई की गंदम देखने के लिए। वाटर पंप हमने जन्नू मोड़ पे रख दी है, आज प्लम्बर की शॉप बंद थी तो उसके साथ वाली शॉप जो है ना वो खुली थी, वहाँ पे हमने वाटर पंप रख दी है, कल प्लम्बर आएगा तो फिर जो है ना लगाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह इस टाइम जो है ना खेत में निकलना क्या ही बात है, दिलो दिमाग तरोताजा हो जाता है बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जो है ना इंजॉयमेंट होती है बिल्कुल। हरियाली और जो सरसों के फूल हैं पीले पीले, हाँ जी, येलो येलो, वो बहुत ही खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और इस टाइम हरियाली को देखना हमें तो विलेज में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। मुझे तो इस टाइम इतना मजा आता है विलेज में निकलना, क्या ही बात है। हाँ, ये देखें चारों तरफ सर सब्जा हरियाली, और ये है जी रशीद भाई, रशीद मसात नहीं भाई का छोटा बेटा, ओ सॉरी छोटा भाई रशीद मसाज रहता है बुढ़ा ठीक है शोदा नहीं भाई वदा वदा भाई है ये चिट्टा ठीक है। और ये देखें ये सरसों के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, ये किनारे किनारे से नजर आ रहे हैं गंदम में, बाकी माशाल्लाह माहौल कितना प्यारा लग रहा है, क्या ही बात है, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल। सूरज यहाँ तक पहुँच चुका है, ये देखें जी यहाँ पर जी सफेदे वगैरह लगाए हुए हैं, ये देखें जी, और ये बनना जा रहा है, और ये भी गंदम है जी, ये है तो कमज़ोर मेरे ख्याल में, ये बाद में इसकी काश्त की है, तो वो जो है ना पहले काश्त की हुई है, वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उगी हुई है, और ये थोड़ी कमज़ोर है। माशाल्लाह क्या सीन है, मैंने सोचा ये आप सब बहन भैया से भी शेयर कर लूँ। सूरज जो है ना अब ग़ुरूब होने जा रहा है, शाम का टाइम है, और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है ये आप देख सकते हैं, एक वैन है एक जो है ना वो गाड़ी है कार, तो काफ़ी नुकसान हुआ है, इसका बचाव तो हो गया है, और गाड़ी जो है ना आप देख सकते हैं इसकी हालत जो है ना बहुत ख़राब है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जानें बच गई हैं, बचाव हो गया है, और गाड़ियों को नुकसान हो गया, अल्लाह ने बचा लिया बंदों को। ये वैन है जी, अंदर ब्लड वगैरह भी है, जो चोटें लगी है ना ये शीशे तोड़ के उनको निकाला गया है बंदों को, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बचाव हो गया, जाने नुकसान नहीं हुआ, और गाड़ी की ये हालत है जी कार की, ये भी इन लोगों का भी बचाव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पे जो एक्सीडेंट हुआ है दोनों जो है ना आपस में यहाँ पे लगी है, ये वैन कल्टी हो गई थी, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है, हमें अभी पता चला है सब इधर आ गए हैं जी, ये देखें बच्चे वगैरह भी, और घर बनो हूँ हूँ तोरा किया काम है, आ घर बनो, घर शाम थी नहीं पई है, तो अब हम घर चलते हैं, मगरिब की अजाने भी होने वाली है। मैं पहुँच गया हूँ जी घर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो को रात नहीं आराम नहीं आती है, रात है तुसा क्रिकेट खेल देवे माशाल्लाह बच्चे भाग गए हैं जी मुझे जफ्फी डालने के लिए, अभी बुला अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, चलो आ जाओ अंदर है अभी हॉली जीत क्रिकेट खेलता खड़े अच्छा लाला काम कर आज छोड़ना मैच लगा है दो बार जता है अच्छा हाँ मैच उन्हें ये के आल और जी का पांच जवर साले रुहा खड़ा रह जा अच्छा दिया बोला मैं तक से समझ के नहीं था क्या आके इधर जी मेरे ख्याल में रोटियां सोटियां लग गई हैं जी, आज भी लग गई है, आज क्या पकाया है, ये तो तंदूर में आग भी आप सारी सेक गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
ठीक हो? तबीयत से ठीक है? आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी तबीयत कैसी है? सालन भी बन चुका, रोटी भी बन चुकी, अगर भूख लगी है तो। आज क्या बनाया है? आज बनाया बंद गोभी। ये तो खा ली है? जी हमने खा ली। जी वाह, हिमते हिमते है। आपके लिए रमता ही खा के दिए रोटी है मामू? इधर पड़ी है आपका सालन। इधर पड़ा है, ये है जी बंद गोभी। बंद गोभी का सालन मुझे अच्छा लगता है, इसी वजह से तो मैंने बनाया है। हाँ फिर ले आए अंदर, खाते हैं खाना। नहीं अभी भूख वैसे नहीं है मुझे, थोड़ी देर तक खाऊंगा जैसे आपकी मर्जी। हाँ भैया की तबीयत सी है, कोई नमी ताज़ी? चुपचाप चुपचाप है। चलो शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज सर्दी तक है नहीं? कहना सर्दी का नहीं, वैसे बहुत है बैठे बहुत सारी सेक गए मैं तो सब। सर्दी मुझे नहीं लगी हुई, बस ये वैसे जो है ना वो सेक आ रहा है तंदूर में से थोड़ा थोड़ा, बाकी आग नहीं है, अंगारे बुझ गए। हाँ वही सेक आ रहा है तंदूर का, अंगारे बुझ गए। काम चेक करो यार, काम इधर दे। हाँ जी क्या दवा दे?